हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस कंडक्टेड बाय अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास प्लस वन का यूनिट फोर चैप्टर में से वर्क एनर्जी एंड पावर। लास्ट हमने लेक्चर में किया था वर्क के बारे में, ठीक है। वर्क क्या होता था, हम फिज़िक्स के टर्म में क्या पढ़ते थे वर्क की डेफिनेशन, कि अगर कोई बॉडी जो है, सपोज़ करो ये एम बॉडी है, अगर इस पर कोई इस डायरेक्शन से फोर्स लगाता है, ठीक है, या मान लो सपोज़ कर लो कोई इस डायरेक्शन से इसको फोर्स लगा रहा है, एक साइड से फोर्स लगा रहा है, और ये बॉडी डिस्प्लेस होकर आगे चली जाती है, कितना एक्स डिस्टेंस मान लो आगे चली जाती है, यानी एक बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, जब उस पर क्या होती है कोई फोर्स अप्लाई होती है, तो उसे हम बोल देते हैं वर्क डन, ठीक है। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट होती है एस, और यहाँ पर एंगल थीटा भी बन जाता है, तो क्या फॉर्मूला बना देते थे हम, वर्क डन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और हमने एक चीज़ यहाँ पर की थी कि ये जो फार्मूला है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ये तभी वैलिड है जब हमारे पास जो फोर्स है यहाँ पर वो क्या होगी, कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्सेस के लिए ही हमारे पास ये फार्मूला जो है वैलिड होगा। अगर फोर्स कांस्टेंट है देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई हमारी वर्क की जब फोर्स कांस्टेंट होती है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है हम वो करेंगे, व्हाट इज वर्क डन इफ फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। पहले तो हमने सारे केस कर लिए कि जब फोर्स कांस्टेंट होगी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, उसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। तो हमारा आज का टॉपिक है जब फोर्स वेरिएबल होगी देन वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है, उस केस में क्या फार्मूला लगेगा, ठीक है। आपको वो पूछ सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, आपको कैसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं कि मान लो फोर्स है 2x, ठीक है। So what is work done if body displaces, from x equals to 1 to x equals to 3, ऐसी स्टेटमेंट मान लो आपको आ जाए, तो यहाँ पर क्या है, कहते हैं अगर बॉडी एक्स इक्वल्स टू 1 से लेकर एक्स इक्वल्स टू 3 तक डिस्प्लेस की तो फोर्स होगी 2x, देन वर्क डन क्या होगा। सो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है इस एक्स की वजह से कि यहाँ पर फोर्स जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। वो किस पर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड ऑन एक्स, किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है। अगर फोर्स होती 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6.2 न्यूटन, इसका मतलब होता है कि फोर्स क्या है, हमारी कांस्टेंट फोर्स है। लेकिन जब कोई वेरिएबल साथ आ जाता है तो इसका मतलब फोर्स क्या है, वेरी कर रही है, ठीक है, मीन्स चेंज हो रही है। तो इस केस में हम जो W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा फार्मूला है ये अप्लाई नहीं करेंगे। सो अब हमें पता चल गया वेरिएबल फोर्स के लिए हम W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन मेथड से ही हम वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पर लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन मेथड यूज़ किया जाएगा किसके लिए, फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए। तो उसके लिए हमें एक ग्राफ समझना पड़ेगा, फार्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि वो कौन सा वर्क डन का फार्मूला है जो वेरिएबल फोर्सेस के लिए काम आता है, ठीक है। तो सपोज़ कर लो
हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस साइड है हमारी एक्स एक्सिस, इस साइड है हमारी फोर्स एफ, ठीक है। तो फोर्स लग रही है कुछ ऐसा कर्व सा, एरिया हम बना देते हैं। तो कहते हैं सपोज कर लो, मान लो इस रीजन को, इस पूरे एरिया को अगर मैं छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट लूँ, ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ से एक छोटी सी स्ट्रिप काट ली, ठीक है। अब इधर क्या रिप्रेजेंट हो रही है हमारी फोर्स, तो मैं इधर इसकी लेंथ को क्या बोल देती हूँ, एफ, ठीक है, क्या बोल देती हूँ, एफ। और यहाँ पर इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, स्मॉल डी एक्स, ठीक है। सो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो जहाँ पर ये जो मैंने एरिया कट किया है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो स्ट्रिप है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरी स्मॉल वर्क डन, ठीक है। सो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है, डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल ही है ना, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। और लेंथ हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं, एफ, और ब्रेथ क्या है, चौड़ाई, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, डी एक्स, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू किसके आ गया, एफ डी एक्स के इक्वल। तो इसी तरह से मैं पूरे रीजन को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में अगर कट कर दूँ और बाद में उनको ऐड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। मान लो इसकी लेंथ को हमने एफ वन मान लिया, इसकी लेंथ को एफ टू, इसकी एफ थ्री, ये हो गई एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री। तो इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को अगर मैं बाद में सभी को ऐड कर दूँ, तो हमारे पास टोटल नेट वर्क डन आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, जैसे टोटल एरिया इक्वल्स टू एफ वन डी एक्स, मीन सभी का अब ले रही है ना हमने, ऐड कर दिया, प्लस एफ टू डी एक्स, प्लस एफ थ्री डी एक्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समेशन लगा देते हैं, समेशन को रिप्लेस कर देते हैं फिर इंटीग्रेशन से। तो किसकी इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ डी एक्स की, मीन्स इन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे ऐड करके, तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। लिमिट सपोज करो एक्स वन से एक्स थ्री तक ले रहे हो आप विदेथ, तो एक्स वन से एक्स थ्री हमारी लिमिट हो जाएंगी। सो टोटल ये एरिया क्या हो गया, टोटल वर्क डन, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। सो दिस इज द हेयर फार्मूला, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का ये वर्क डन का फार्मूला कब अप्लाई होगा, वेन फोर्स इज वेरिएबल। और जब फोर्स जो है वो कॉन्स्टेंट होगी, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला, W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब फोर्स कॉन्स्टेंट होगी, और ये फार्मूला तब वैलिड होगा जब हमारे पास फोर्स क्या है, वेरिएबल होगी, ठीक है, क्लियर है। सो इसका मीनिंग क्या निकला, विच मीन्स ग्राफ जो है एफ एक्स का, ये क्या है, एक ग्राफ ही बना ना, तो ग्राफ क्या है एफ एक्स का, जो ग्राफ है एफ एक्स का, एरिया जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क डन। इस ग्राफ का, एफ एक्स ग्राफ का जितना भी ये एरिया है, हमें क्या दे रहा है, वर्क डन, क्लियर है। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल की हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा हम वर्क डन वेरिएबल फोर्स वाला कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आपको इस तरह से एक डायग्राम दिया गया होगा, ठीक है, और एफ और एस यानी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच जो वैल्यूज़ दी गई हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की एक 5 एक 10 है, इधर भी आपको एक फोर्स की दी गई है वैल्यूज़ 5 और 10, ठीक है। तो आपको बोला गया होगा कि फाइंड करो वर्क डन इन दोनों केसेस में, फाइंड वर्क डन। तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में दो चीज़ें बन रही हैं,
एक बन रही है आपकी रेक्टेंगल और एक बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप कैसे निकालोगे एरिया, आप कैसे करोगे? सो वर्क डन इक्वल्स टू, हमने क्या किया था, वर्क डन क्या शो करता है, एरिया ऑफ दिस ग्राफ, सो एरिया ऑफ एफ एस ग्राफ। और एरिया जो है टोटल एफ एस ग्राफ का, वो कैसे है, हम एरिया पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इस एरिया को देखो, रेक्टेंगल वाले एरिया को, इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, मैक्सिमम 10। ब्रेथ देखो, चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 5। सिमिलरली राइट एंगल ट्राइंगल लो, ठीक है, वहाँ पर उसकी लेंथ देखो। अब ये लेंथ जो आ रही है आपकी, ये कितनी है, यहाँ पर लेंथ भी आपकी कितनी आ रही है, 10 ही होगी, मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है, 5 से लेकर 10 तक, फिर 5 है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, कितना आंसर आ जाएगा, अगर ये कट हो गया 5 से, यानी आपका आंसर आ जाएगा टोटल 75 जूल्स, वर्क के यूनिट्स होते हैं जूल्स। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी आप वर्क डन जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल करते हैं, आपको दिया गया होगा फोर्स की वैल्यू, सपोज करो अब आपको दे दी है 2x, और बोला गया होगा कि फाइंड करो वर्क डन x इक्वल्स टू 1 मीटर एंड x2 इक्वल्स टू 3 मीटर। ठीक है, सो वर्क डन, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स वाला। सो टोटल वर्क डन w, इंटीग्रेशन लगा देंगे FdS। ठीक है, और लिमिट्स क्या ले रहे थे, अब दो लिमिट्स दी हैं तो x1 से लेकर x2 ही लिमिट लेंगे। अब f की वैल्यू कितनी दी है, 2x इंटू dx, और यहाँ पर x1 की वैल्यू है 1 और x2 की वैल्यू है 3। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ x की। तो x की इंटीग्रेशन क्या आएगी हमारे पास, x² / 2, 1 से लेकर 3। अब आगे क्या करना है, हमने 2 बाहर ले आते हैं, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, x² 1 से लेकर 3, तो 2 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, पहले 3 की वैल्यू फिल करेंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस फिर 1 वैल्यू फिल करेंगे, 1 का स्क्वायर, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 3 9 माइनस 1, मीन्स आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, वर्क डन 8 जूल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सो हेयर इज एट लास्ट योर होमवर्क। सो होमवर्क में 5 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, अगर आपने वीडियो अच्छी से देखी है तो आप ये बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल फोर्स का यहाँ पर क्या मतलब है, ठीक है, और इसका चाहे तो आप फार्मूला लिख सकते हो कि वर्क डन निकालने के लिए जब वेरिएबल फोर्स हो तो क्या फार्मूला है। सो सेकेंड है, व्हाट आर द SI यूनिट्स ऑफ वर्क, उसको डिराइव करना है। फिर है, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ ग्राफ एफ एक्स, जो अभी मैंने आज लेक्चर में एरिया को ग्राफ करवाया है एफ एक्स का, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ आपका न्यूमेरिकल है, वर्क डन फाइंड करना है आपने, ठीक है, आपके पास ये डायग्राम दिया गया है, उसका आपने वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है, इसके रिलेटेड भी मैंने आपको न्यूमेरिकल करवाया है। और लास्ट है आपका, अगर फोर्स आपको 4x दी है तो वर्क डन क्या होगा, अगर उनकी लिमिट्स जो हैं x1 2 मीटर है और x2 4 मीटर, ठीक है। सो बड़े ऐसी इजी वे से आप ये सम सॉल्व कर सकते हो, और ये असाइनमेंट आपने ज़रूर अपनी कॉपी पे मेंटेन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।